लगी भाई नीचे, बट गड्ढे में लगी और घट। ओ शिट भाई, गड्ढा आया भयंकर। मैंने मुझे दिखा नहीं, मैंने मोड़ा भी। कौन आ रहा है? आपको डॉक्यूमेंट तो दिखा दिया, वो वैलिड इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है भैया। ये पूरा टूट गया यार, ये चेक करो, ये चेक करो भाई। सुपरा की वाली लाइट, ये जो देख रहे हो ये इंजन लाइट, ये नहीं आनी चाहिए गाइस। जब मम्मी पापा इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना, DXB गाड़ी के अंदर, क्या क्या रिएक्शन होंगे गाइस इन लोगों के। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम गुजरात गाइस। जिन्हें पता उन्हें पता है, कल रात हम लोग गुजरात ही रुक गए थे, मतलब हम लोग गुजरात के बॉर्डर पे रुक गए थे वापी में। एंड अभी लोगों को पता नहीं है बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग रुके थे आदित्य के घर, सो आदित्य टुक केयर ऑफ अस। एंड द थिंग इज गाइस, यू नो, हम लोग होटल वोटल नहीं ले सकते बिकॉज सुबह तक लोकेशन लीक हो जाएगा सुपरा के साथ। प्लस हम लोगों को सेफ पार्किंग भी चाहिए था, तो हम लोगों ने सेफ पार्किंग कर दी थी। फिलहाल द थिंग इज गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, कल ना सुपरा में एक दिक्कत आ गई थी। एक्चुअली उसकी ना इंजन चेक लाइट ऑन हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर कि वो इंजन चेक लाइट क्यों आई है, मे बी शायद हम लोगों ने ज़्यादा चला ली इस वजह से, बट हम लोगों ने मैक्सिमम 250-300 किलोमीटर चलाई है, नॉट मोर देन दैट। अगर वो इंजन चेक लाइट नहीं गई गाइस, तो मैंने अंश से बात करी है। अंश कहाँ? वडोदरा में मिलेगा हम लोगों को। तो अंश ने किसी से बात करी है, वडोदरा में हम लोगों को टोइंग ट्रक मिलेगा। एंड आई गेस वो टोइंग ट्रक हम लोगों को दिल्ली छोड़ने के लिए बात हुआ है। अब जिधर दिल्ली है तो उत्तराखंड दोनों। एंड हम लोग वडोदरा रात तक पहुंच जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो इंजन चेक लाइट नहीं हटती तो रात को हम लोग गाड़ी टो करवा करके सीधा घर छुड़वा देंगे। फिर प्रणा भैया के पास वी कैन चेक इट आउट। इंडिया में सुपराज के लिए कुछ भी नहीं है गाइज। अगर कुछ भी खराब होता है तो मुझे वापस दुबई चेक कराना पड़ेगा। एंड बारिश बुरिश हो रहा था तो उस वजह से देयर कुड हैव बीन अ कंसर्न। फिलहाल अभी तैयार हो चुके गाइज, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। आई होप सुपरा घर पहुँचते तक सही रहेगा। निकलते हैं यहाँ से पैकअप करके। ओके बॉयज, हम लोग फाइनली पहुँच चुके नीचे। हाइलेक्स पे सारा सामान लोड हो चुका है। एंड थिंग इज, हम लोगों ने हाइलेक्स यहीं पर पार्क करी थी, सुपरा हम लोगों ने ना दूसरी जगह सेफ पार्क करी थी। तो अभी हम लोग सुपरा को लेने जा रहे गाइज, वहाँ पर मस्त कोल्ड स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी बहुत बहुत सारे बच्चे गाइस, चेक दिस आउट, इतने सारे बच्चे कॉलोनी के रेडी हो रहे हैं। ये भी नहीं बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, बराबर। अब इनके साथ फोटो फोटो करवाएंगे और फिर निकलेंगे। आ जाओ जल्दी फोटो करा लो बेटा। भाई गुजरात से मोहब्बत नेक्स्ट लेवल है गाइस, बहुत नेक्स्ट लेवल। बाय गाइस, सी यू। निकल रहे गाइस, हम लोग सुपरा लेने चलते हैं फटाफट। आई होप सेफ हो एकदम फट। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सुपरा को लेने के लिए। और चेक दिस आउट, कितने लोग खड़े भयंकर। सब लोगों को पता है कि हमारी गाड़ी कवर करके रखी थी हमने रात को, बट स्टिल। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सुपरा के पास। चेक दिस आउट, अभी खुली रही है। आई होप एवरीथिंग इज सेफ फॉर नाउ। ओके भाई, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। एंड द थिंग इज, इतने सारे लोगों की मोहब्बत है ना गाइस गुजरात से, कांट रिलेट टेल यू। अभी मीटअप कहीं मैंने प्लान नहीं कर रखा, बिकॉज सुपरा लेकर के पहले घर पहुंच जाता हूँ। एंड सुपरा के साथ जो दिक्कत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चेक करो गाइस, सुपरा की ये वाली लाइट, ये जो देख रहे हो ये इंजन लाइट, ये नहीं आनी चाहिए गाइस। मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिससे मैं चेक कर पाऊँ। अभी पीछे हाइलेक्स आ रही है, आगे निकल जाते हैं थोड़ा, जहाँ भीड़ भूड़ ना हो, फिर वहाँ पर देखते हैं क्या सीन है यार। तो गाइज हम लोग निकले ही थे। एंड चेक दिस आउट, बारिश होना फिर से शुरू हो चुकी है। मुंबई गुजरात का वेदर ना बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी बारिश हो जाती है गाइज। साले थिंग इज, हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ से 4-5 घंटे लगने वाले हैं वडोदरा पहुंचने के लिए गाइज। वहाँ पर ना मेरी एक मैकेनिक से भी बात हुई है, तो वो मैकेनिक आई गेस कुछ इनपुट होता है वो लगा करके चेक करेगा। मेरे को ना याद नहीं आ रहा है क्या वो सिस्टम होता है, वो कनेक्ट करके पता लग जाता है कि गाड़ी में क्या वार्निंग है। फिलहाल अभी चलते गाइस और सिनेमैटिक म्यूजिक के साथ सिनेमैटिक चेक करें आप। भाई साहब क्या टोरे है ना सुपरा को रोड पे लेके साथ चलने का यार। सच्ची में जैसे जैसे छोटी बहन और बड़ा भाई नहीं होता कि छोटी बहन सुपरा जा रही है आगे, मतलब प्यारी सी क्यूट सी, और बड़ा भाई पीछे पूरा मॉन्स्टर वाला स्कूल और सब कुछ, बड़ा भाई चला हुआ रहा है उसकी सेफ्टी के लिए। सच्ची में मतलब कुछ हो ही ना, बस सुपरा को ऐसा वाला मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, रोड पे तो अलग ही टोरा चल रहा है दोनों का। वहाँ देखो जरा, वो देखो
So, Himlo ji, finally guys, बाबू भैया जी रहे अपना सपना. आई स्वेयर गाइज, ये मोमेंट के लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था ना कि हम लोगों को इंडिया में आकर के अपनी सुपरा चलानी. और यानी मेरा सपना नहीं, ये पूरी ब्रो सेना का सपना था कि बाबू भैया वी वांट टू सी आर सुपरा ऑन इंडियन रोड. ये चेक करो फाइनली गाइज. एंड गाइज, रितिका इज ऑल्सो हियर. कैसा लग रहा है मालिक? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. मतलब रिएक्शन इतना ज्यादा आ रहा है ना बाहर से देखने में, लोग ही देख रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं इनफैक्ट देख के कि बाबू भैया की गाड़ी चल रही है. एग्जैक्टली गाइस, पता है आपको मेरे से ज्यादा ना लोग खुश होते हैं कि बाबू भैया की गाड़ी. एंड यही चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक मैं ना कभी भी कोई गाड़ी अपने लिए तो मैंने, मुझे लगता नहीं मैंने कभी ली होगी. ली है बट हाँ, मतलब प्रैक्टिकली तो ली है, बट हम सबकी गाड़ी है गाइस सुपरा. जब मम्मी पापा इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना, DXB गाड़ी के अंदर, क्या क्या रिएक्शन होंगे गाइस इन लोगों के. दे विल बी मोर देन हैप्पी, उनको बहुत प्राउड होगा. पापा ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कंग्रेचुलेशंस. पापा और मम्मी को तो बिठाना है गाइस एक बारी दुबई नंबर प्लेट की गाड़ी में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं 4 साल पहले सोचूं ना कभी, तो नेवर. ये सपना जी रहा हूँ मैं, सपना ये सोच भी नहीं सकता था कि भाई ये कभी ऐसा होगा जिंदगी में कि एक आम मिडिल क्लास घर का लड़का कभी सुपरा चला रहा होगा, वो भी इम्पोर्टेड. लाल द थिंग इज गाइस, चेक दिस आउट, बाहर मौसम और भी बिगड़ता जा रहा है. एक्चुअली बारिश का सीन ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है. आई होप गाइस बारिश ना हो, कहीं रुकते हैं खाने पीने के लिए. तो यार मैं आपको ना बोल ही रहा था कि आगे रुकते हैं, और अभी ना एक गड्ढा आया और सुपरा लगी आगे भाट करके. आई होप कुछ टूटा टूटा ना हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लगी है यार. यहाँ रोडों पे ना यही सीन रहते हैं गाइस. मुझे पता है लग गई, लगी भाई नीचे बाट गड्ढे में लगी और घट बस कुछ रुके हो वहां पे. आई होप गाइस टूटी टूटी ना हो, बस आगे से ये वाला पोर्शन लगा बाट करके यार बैंक करिए पहले चला के नीचे. ओ शिट भाई, गड्ढा आया बैंकर. मैं ना मुझे दिखा नहीं, मैंने मोड़ा भी बाट, आगे आगे वाला टायर पहले नीचे चला गया था. ये चेक करो और कुछ तो नहीं टूटा, साइड तो लगा निकल गया पूरा. एंड गाइस इसी रीजन के लिए ना मैंने जब ये साइड फेंडर्स लगाए थे, तो यू कैन चेक दिस आउट, मैंने ना दो साइड फेंडर्स लगाए थे ताकि ये टूटे ना, बट आगे से दो नहीं लग सकते थे, ये एक ही लगाया और ये पूरा टूट गया यार. ये चेक करो, हमारे साथ होता ही है ना, हम नई गाड़ियां लेकर के आते, कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा हो ही जाता है. खैर इतना ज्यादा नहीं टूटा है हम श्योर. लाइटें जल रही है इसकी, ऑन करना एक सेकेंड. लाइट ये वाली तो चल रही है, ये वाली भी चल रही है, ये भी चल रही है, और ये भगवान बस आखिरी वाली भी चल रही हो. यप गाइस चल रही है. ओ भाई लाइटें नहीं टूटी एटलीस्ट, है ना. बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं इसे घर तक कैसे लेकर के जाऊंगा, बिकॉज अभी हाईवे पे गड्ढों में ना ये लग रही है नीचे से यार. मुझे ना टो करवा देनी चाहिए थी घर तक, बिकॉज गड्ढों का ना हाईवे पे कहीं पर नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पर गड्ढे हैं क्या है. वो तो शुक्र है हल्की बंदी बिठा रखी है, अगर तुम या सतीश जी बैठते तो गाड़ी तो फिर तो गाड़ी एक जगह घिसते में जाती. ओके गाइस, हम लोग जस्ट रुके थे एंड चेक दिस आउट, कितनी भीड़ हो गई भाई साहब. तो ओनली प्रॉब्लम इज हमारी सुपरा टूट चुकी गाइस. तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव फाइनली हम लोग पहुंच चुके कुछ खाने के लिए. ये चेक करो हमारी हाइलेक्स भी गाइस इधर पहुंच चुकी है, बहुत भूख लग रही है. और ये देखो सुपरा कहाँ पर है और हाइलेक्स की हाइट कहाँ पर है. बैंकर हाइलेक्स कितनी ऊपर है भाई, चल रही है भैया छोटे और बड़े बहन भाई की तरह. ये छोटी बड़ा भाई इसकी पूरी रक्षा कर रहा है. ओके बॉयज, हम लोग रुके थे खाने के लिए एंड वी जस्ट कम्प्लीटेड आवर डिनर फॉर टुडे. लास्ट में हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम. सतीश जी बेचारे बाहर खड़े हुए थे बिकॉज गाड़ी पे कोई नहीं था, तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया. अब दुष्यंत गए गाइस बाहर गाड़ी के लिए, गाड़ी की सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिलहाल यहाँ से अहमदाबाद बचा 250 किलोमीटर, हम सुपरा में ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे और मुझे तो नींद आ रही है. चलो होटल ले लेते हैं, सतीश जी मैं कह रहा हूँ नींद आ रही है यहीं ले लेते हैं रूम. अहमदाबाद अभी भी 250 किलोमीटर दूर बचा गाइस. अपने प्रो सेना के लौंडे हर जगह पहुंच ही जाते हैं, बट निकलते हैं यहाँ से फटाफट.
चार लोग हैं ना। देखो दुआ आपने दुआ से मांगा, मैं भी दुआ से हमेशा मेरे तुम्हारा साथ है, तुम्हें अलाइव वाला से बचाए ऊपर वाला। एक नोट और, एक नोट और दे दो खुश हो के मेरी दुआ के साथ में। मालिक ऐसी दो चार गाड़ी लाओ, एक करोड़ वाली गाड़ी पे घूम रहे साहब, मालिक करे और बेचार गाड़ी ना मालिक खाई जाए। आओगे आप भी कल वीडियो में, आप भी कल वीडियो में आओगे ऐसा है मालिक आपको। चलो ओके बॉयज, रात के बज रहे 12 एंड वी जस्ट स्टॉप फॉर अर सेकेंड फ्यूल अप। पहला फ्यूल अप हम लोगों ने मुंबई बॉम्बे से करवाया था ऑलमोस्ट लाइक 4,500 रुपए का। ये सेकंड फ्यूल अप हो रहा है सुपरा में। सुपरा ऑलमोस्ट 14 की एवरेज दे रही है जो कि अब तक मेरी सारी गाड़ियों में से सबसे हाईएस्ट है। अभी भर रहा है इसमें पावर। मैंने आपको कहा था हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक बस पावर ही डलाएंगे एंड एक ही फ्यूल डलाएंगे। इंडिया में इससे बेटर फ्यूल भी मिलता है, 97 105 भी मिलता है आई गेस, बट हम लोग 97 ही डला रहे हैं बिकॉज हर जगह अवेलेबल भी है। फ्यूल अप हो रहा है गाइस, फिर निकलते हैं यहाँ से। वडोदरा केवल 68 किलोमीटर्स बच गए, ऑलमोस्ट एक घंटा और लगेगा। अब हाईवे अच्छा है, फिर उसके बाद आज वडोदरा की स्टे का भी फाइनल हो चुका है। चलते हैं फटाफट फ्यूल अप करा करके यार। तो यार फ्यूल अप हो चुका है मस्त एंड नाउ इट इज़ द टाइम हम लोग सुपरा को थोड़ा सा खींचने वाले क्योंकि अब जा करके गाइस मस्त हाईवे है हाईवे पे। सो खींचते हैं गाइस और सुपरा की आवाज़ रटा टटा सुनाते हैं आपको। रेडी ट्रक ट्रक क्लियर हो जाए ना फिर भगाऊंगा बैंकर। ओके लेट्स गो बैंकर। 140 तो इजी जाती है। पटाखे बैंकर आपको डॉक्यूमेंट तो दिखा दिया, वो वैलिड इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है भैया। भैया यहाँ भीड़ होगी, आपको दिक्कत होगी, हमें दिक्कत और हमें दिक्कत होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज के लिए? एक ये पहला तो है जहाँ पर रुकना पड़ा है, गाड़ी नंबर देखते हैं निकाल देते हैं, उनको पता है ये छोड़ देते हैं इसी का तो छोड़ना है, इसी कौन बोल रहे हैं भैया समझाओ पड़ेगा। तो क्या यार, दो घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के पास एंड आज का स्टे हम लोगों ने थोड़ा सा अंदर लिया है। चेक दिस आउट, लोकेशन हमें ना जंगल में लेके आ चुकी है। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि लड़कियां साथ में हैं, बट टेंशन नॉट, सतीश जी और दुष्यंत साथ में तो कोई टेंशन नहीं है। आई गेस कोई विला वुला में ही जा रहे हैं हम लोग। ये जो विला है गाइस ये अंश का ही है जिससे मैं सुबह मिला था। सो उसने कहा भैया मेरे एक सेफ हाउस है वहाँ पर चले जाना, कोई मसला नहीं है। सो वहीं जा रहे गाइस, बस आई गेस रास्ता सही हो। बस ये देखो बैंकर पूरा जंगल वाला रास्ता हो रखा है, सुपर ने कभी सोचा नहीं होगा बैंकर यहाँ आएगी। तो यार रात के बज रहे 2 ऑलमोस्ट एंड वी आर फाइनल ईयर। चेक दिस आउट, अपनी सुपर यहाँ पर पार्क हो चुकी है, अपनी हाइलेक्स यहाँ पर पार्क हो चुकी है। रितिका को रूम में पार्क करने जा रहे हैं, भव्या को भी रूम में पार्क करने जा रहे गाइस एंड हम लोग जंगल वाले एरिया में। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बार सुपरा में सोऊंगा मैं तो आज।